नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड में दो दिनों का येलो अलर्ट आपको बताते रहेगा और मौसम विभाग ने इसे जारी किया है। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड यहाँ पर हो सकती है 29 और 30 अगस्त को। ये दो दिनों का आपको बता दें, अगले दो दिनों का येलो अलर्ट यहाँ पर रहेगा। वहीं नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह यहाँ पर दी गई है अगले दो दिनों तक के लिए, क्योंकि भारी बारिश की संभावना यहाँ पर, और ऐसे में जान जोखिम में हो सकती है। और इसी को लेकर 29 और 30 अगस्त इन दो दिनों का उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा है भारी बारिश का, वो है ऊधम सिंह नगर में। इसके अलावा और भी कई ज़िले हैं उत्तराखंड के अंदर, जैसे नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़, यहाँ पर भी कह सकते बारिश की अनुमान ज़्यादा हैं। और इसको लेकर कहा गया कि लोग घर से बाहर ना निकले, इसकी सलाह दी गई है कि घर से बाहर ना निकला जाए। तो बड़ी खबर की आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड से, जहाँ पर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया। 29 और 30 अगस्त दो दिनों तक वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है और घर से बाहर ना निकलने की भी एक सलाह यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर, ये चार जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश का अनुमान है। तो इस जो इस एरिया में रहते हैं कह सकते हैं कि उनको घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी इसी के साथ मौसम विभाग ने दे दी है। और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं सुभाष, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष, यहाँ पर कौन कौन से जिलों में ज्यादातर कह सकते हैं अनुमान है बारिश होने का? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसे ही बदला हुआ रहेगा। और खास तौर से जिलों की बात की जाए तो उसमें राजधानी देहरादून है, चंपावत है, बागेश्वर है, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिले की दूर दराज के जिलों के साथ राजधानी देहरादून में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिसको लेकर आपदा विभाग की टीम और जिला अधिकारियों की जो टीम है अपने जिले को लेकर, सभी को मुस्तैदी से रहने के लिए कहा गया। और उसके साथ ही SDRF, NDRF जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम है उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी उसके मुताबिक पिछले दो दिनों से मौसम लगातार बदलता नजर आया, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में। और उसके बाद कहीं सड़कें वादी धुई, कहीं राज्य मार्ग वादी धुए, कहीं ग्रामीण सड़कें भी पिछले लंबे समय से बंद है, जिसके लिए उसी क्षेत्र के जिला प्रशासन द्वारा उन सड़कों को खोलने का काम अभी भी जारी है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ा सा कोरोना कम होते ही लॉकडाउन खोलते ही लोगों ने उत्तराखंड की तरफ जो पर्यटक है उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो मौजूदा अगर बात करें तो क्या अभी भी वहाँ पर पर्यटक दिखाई देते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह के हालात बने हुए, ऐसे में वहाँ पर जाना कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है। पर्यटकों की अगर बात करें तो पर्यटक अभी भी कई संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जैसे उम्मीद की जा रही थी कि बहुत अधिक संख्या में पर्यटक नहीं आ रहे, क्योंकि रोडे बहुत अधिक संख्या में बंद है, राज्य मार्ग बंद है, तो ऐसे में पर्यटकों को प्रवेश मिलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। हालांकि जो मार्ग खुले हुए हैं वहाँ पर्यटक आ सकते हैं और RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो अभी भी अनिवार्य है। जी बिल्कुल। देहरादून की बात करें, वहाँ पे फिलहाल क्या स्थिति है बारिश को लेकर और पर्यटन को लेकर? क्योंकि मसूरी वहाँ से बिल्कुल कनेक्ट है और ज्यादातर लोग वहीं पर सफर करते हैं। जी बिल्कुल, मसूरी पिछले दो दिनों से उसका मार्ग बंद था, जिसके बाद कल शाम को मसूरी का जो मार्ग है वो खोला गया, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से वो मार्ग जो है बंद हो चुका है और प्रशासन उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जानकारी देहरादून प्रशासन को भी है। तो इसको देखते हुए मसूरी मार्ग पर अनुमति बहुत कम दी गई है वाहनों को चलने की, और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे समय में पर्यटकों को भी सेफली प्रदेश में रखा जाए। और इसलिए सभी को कहा गया है कि वो सोच समझ कर ऐसे स्थानों पर जाए जहाँ की भूस्खलन जैसी स्थिति बन रही है। जी बिल्कुल सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड में दो दिनों का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है और पर्यटकों से खासतौर पर यही कहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया येलो अलर्ट और दो दिनों तक घर में ही रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज छठा और आखिरी दिन था। पांच दिन विधानसभा सत्र चलने के बाद छठे दिन मॉनसून सत्र में आज सतत विकास पर चर्चा हुई है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र खास चर्चा के लिए एक दिन और बढ़ाया गया था। पहले विधानसभा का मॉनसून सत्र पांच दिनों का था, जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष
प्रदेश के सतत विकास को लेकर अपने सुझाव सदन में दिए। उत्तराखंड विधानसभा में आज समग्र विकास के लिए सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा शुरू हुई। विधानसभा का मानसून सत्र कामकाज के लिहाज से तो ठीक ठाक ही रहा, लेकिन इसमें पहली बार नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सियासी कौशल भी दिखाया। वो 5 दिनों तक सदन में रहे तो तमाम घोषणाएं भी की। और इसी पर सुभाष हमारे साथ बने हुए सहयोगी फोन लाइन पर। सुभाष, आज की अगर सदन की बात करें तो क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ आज हुआ? जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड का जो विधानसभा मानसून सत्र था उसका 6ठा दिन था, और क्योंकि सतत विकास को लेकर आज चर्चा होनी थी और इसी को देखते हुए सदन को 1 दिवस और बढ़ाया गया था। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस सदन में जो नेता सदन थे वो नए थे, नेता प्रतिपक्ष नए थे, संसदीय कार्य मंत्री नए थे, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो भूमिका सदन में होनी चाहिए थी विपक्ष ने उस तरीके से निभाया। कई महत्वपूर्ण जनहित मुद्दों पर विपक्ष सरकार को सदन के अंदर घेरता हुआ नजर आया। तो वहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि नेता सदन हैं, उन्होंने भी सदन में कई बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही 6 दिवसीय चले सदन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, या फिर पेट्रोल डीजल जैसे दाम, उनके दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष का बड़ा हंगामा या प्रदर्शन हो। तो कहा जा सकता है कि जो 6 दिवसीय सदन था ये काफी खास रहा और ये कहा जा सकता है शांतिपूर्वक ये सदन चलाया भी गया। जी जी, बन रहे आप हमारे साथ। तो मानसून का आज 6ठा और आखिरी दिन कह सकते हैं यहाँ पे था, सतत विकास को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना कौशल यहाँ पर दिखाया, कह सकते हैं जो उनका पॉलिटिकल कौशल है वो भी सामने आया। वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज प्रदेश भाजपा के सभी मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें हम सही मायनों में दिवंगत कल्याण सिंह जी के कार्यों को याद कर सकें और उन्हें नमन कर सकें। वहीं सीएम धामी ने भी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया। तो आज इस नश्वर संसार को छोड़कर हमारे बीच से गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे अनेक वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित रहे। बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े नेता थे और सही मायनों में सच्चे राम भक्त थे और सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, छूटे हुए लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े थे, हमेशा उनके लिए लगाया। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हैं सुभाष गौर बने हुए फोन लाइन पर। सुभाष, आज के इस श्रद्धांजलि में कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहा, क्या कुछ रहा? सुभाष, अब तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों वो प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर गए थे। हाल ही में गोदियाल रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के दौरे से वापस लौटे हैं। पिछले दिनों कुमाऊं के भी सभी हिस्सों में वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। गोदियाल ने कहा कि हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश की आम जनता भी कांग्रेस की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कि तीनों जिलों में जो हमारा दौरा था उसमें अभूतपूर्व प्रतिसाद, बहुत ही जबरदस्त प्रतिसाद कार्यकर्ताओं के द्वारा उनमें देखा गया। मैं समझता हूं कि आम लोगों में भी कांग्रेस के प्रति जो जिज्ञासा है और जो आशा के भाव से, जो उम्मीद के भाव से कांग्रेस की तरफ आम मतदाता, आम नागरिक देख रहा है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। तो इस दौरे से मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि प्रत्येक, चाहे गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊँ मंडल हो, कुमाऊँ का
तराई वाला भाग हो, गढ़वाल का नीचे प्लेन वाला भाग हो, हर तरफ कांग्रेस के लिए एक विशेष जोश खरोश लोगों में देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए उत्तराखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कार्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने अनिल बलूनी के द्वारा उत्तराखंड के लिए किए गए कामों की सदन के भीतर प्रशंसा की और उसके बाद धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कोविड के दौरान सांसद बलूनी के द्वारा उत्तराखंड के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोविड के दौरान राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की बात हो या फिर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आईसीयू सेंटर खोलने की बात हो, वो पूरे राज्य में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मसूर में लगातार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं मसूरी के कई जगह भूस्खलन होने के बाद सड़क पर आए मलबा और पत्थर से मार्ग बाधित है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर बाटा घाट के पास भूस्खलन होने से मार्ग पर आए मलबे से मार्ग बंद हो चुका है, जिसको कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से हटाया। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून पावर हाउस पास हो रहे भूस्खलन चपेट में आने से एक कार गिर गई, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार लोग फिलहाल बाल बाल बच गए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि जलभराव के चलते नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वीरवार रात को भारी बारिश के बाद मसूरी और सहजधारा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन से देहरादून जिले में 20 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते हजारों गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। कई ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क कट गया है। हम आपको उत्तराखंड के 6 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है हरिद्वार की, जहां बारिश के कारण रास्ते में जलजमाव हो गया। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की, जहां पर लगातार बारिश के कारण लोग घरों में कैद हैं। अगली तस्वीर लालकुआं से है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, इस कारण से कई ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हो चुका है। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं पौड़ी में, जहां पर बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद कर दिया है। पांचवी तस्वीर है, यहाँ पर बारिश के कारण सड़क का हिस्सा टूटकर गिर गया। हल्द्वानी की तस्वीर आप ये देख रहे हैं और यहाँ पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं रुड़की में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो 24 घंटे का आपको बता दें अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ज्यादा कह सकते हैं हाई अलर्ट भी यहाँ पर उत्तराखंड में जारी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। विश्वविद्यालय की संपत्ति का निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव के डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। विधान मंडल भवन में विधानसभा सत्र में भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर निर्णय लिया गया। धामी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में तमाम सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला आपको बता दें यहां पर लिया है। पुल गिर जाने के बाद अब एक उन्होंने जांच समिति बनाई है और ये समिति आपको बता दें कार्रवाई करेगी, यानी कि पूरी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उस पर दोषियों पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है। पुल गिरने पर जांच समिति का यहां पर गठन किया है और ये जांच समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने पुल गिरने के बाद ये कह सकते हैं बड़ा फैसला लेते हुए जांच समिति का गठन किया है।
उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच देहरादून और ऋषिकेश मार्ग पर रानी पोखरी पुल टूट गया है। हादसे के दौरान पुल से गुजर रही कई गाड़ियां नदी में गिर गई हैं। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल गिरने के साथ तीन गाड़ियां, जिनमें से दो लोडर और एक कार शामिल है, नदी में गिर गई। एक घायल को वहां से इलाज के लिए भेजा गया है। पुल गिरने की सूचना पर पुलिस और राहत दल आनन फानन में मौके पर पहुंच गया और इस हादसे की वजह से फिलहाल देहरादून से ऋषिकेश के मुख्य मार्ग का संपर्क कट गया है। गाड़ी को देहरादून से नेपाली फार्म की ओर डायवर्ट करके ऋषिकेश भेजा जा रहा है। और इस बीच घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रानी पोखरी बीच पुल बीचों बीच से टूटकर गिरता दिख रहा है। पुल टूटने के दौरान ही उससे गुजर रहे वाहन भी नदी में जा गिरे। लोगों का कहना है कि गनीमत ये रही कि पुल तेजी से नहीं टूटा और हादसे के वक्त नदी का बहाव बहुत ही तेज नहीं था, अन्यथा नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। सकते हैं किस तरह से पुल टूटा, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहां पर पुल टूटा है और बीच से दरकना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी भयावह है। यहां पर ये गाड़ियां भी आपको बता दी जा रही थी और थोड़ी देर के बाद पुल पूरी तरह से यहां पर टूटता दिखाई दिया है और जिससे जो गाड़ियां थी वो भी नदी में बहनी धीरे धीरे शुरू हुई। रानी पोखरा में ये जो पुल बना था ये धराशायी हो गया। देहरादून से ऋषिकेश का जो मुख्य मार्ग है इसके ढहने से वो कट गया है। हरिद्वार के जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। जिले भर की आशा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 अगस्त से कार्य बहिष्कार और 19 अगस्त से धरने पर बैठी हुई हैं। आशाओं के कार्य बहिष्कार से महिला हॉस्पिटल में पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ता मांगे पूरी ना होने तक अपना धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज लग गई है। 6 विकास खंडों में भटवाड़ी ने निर्धारित लक्ष्य 48,062 को पूर्ण कर 100% वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैक्सीनेशन टीम का मनोबल बढ़ाते हुए दूसरी डोज लगाने का कार्य भी तीव्र गति के साथ पूर्ण तरीके से शुरू कर दिया है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो चुकी है। खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर ऊपर है और गंगा के जलस्तर के ऊपर होने से आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे जो लोगों हैं वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में, घर से बाहर निकलने में तक लोगों का कह सकते हैं काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त है। टिहरी गढ़वाल का बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। देवप्रयाग थाना पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है। सभी लोगों को डायवर्ट किया जा रहा है और अनुरोध कर रही है पुलिस। देवप्रयाग थाना महिपाल सिंह थाना प्रभारी यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। राजमार्ग संख्या 58 को तपोवन से मलेथा तक पूर्ण रूप से समस्त वाहनों के लिए यातायात हेतु तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। SDM महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोगों से भी, कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फिलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो बाहर नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि बाहर कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता प्रयोग करें। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी निकासी न होने के कारण सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। आलम यह है कि पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है, सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है।
बी नदी का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए वहां पुलिस को तैनात कर दिया है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से देख प्रशासन के द्वारा गंगा नदी के किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। खबर है बाजपुर से, जहां पर चीनी मिल श्रमिक संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। वेतनमान को लेकर बीजेपी नेता को ज्ञापन सौंपा गया है। वेतनमान की अवधि को 5 सालों तक बढ़ाए जाने की मांग की है। बीजेपी नेता ने इसका आश्वासन भी दिया है। गन्ना मंत्री से मिलकर जानकारी देंगे ये कहा है। पिछले कई वर्षों से बिना प्रमोशन, बिना फिटमेंट और बिना किसी सुविधाओं के कार्य कर रहे हैं। मौजूदा जो है कोरोना के समय में ध्यान में रखते हुए हमारी इस जो श्रमिकों की जो समस्या है इसका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए ताकि मिल और श्रमिक हित बरकरार रहे। जो चीनी श्रमिक संघ के यूनियन के पदाधिकारी और जो हमारे चीनी मिल के कर्मचारी हैं उनसे बैठ करके विस्तृत वार्तालाप हुआ है। इसमें निश्चित ही मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से और जो हमारे श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात करके श्रमिकों के हितों में जो भी कार्रवाई हो सकेगी उसको ही करवाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कमिटमेंट करे के साथ है कि किसी भी जो है आम जनमानस का जो है कोई अहित नहीं होगा। ये सरकार जो है जनता के हितों के लिए जो है वचनबद्ध है। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।